बताने की बात करना भी अशुभ है। तो मैंने कब की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिल्म तुम्बड़ के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है आनंद गांधी, डाई अनिल बारवे ने। ये एक वॉर हॉरर फैंटेसी फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। IMDb पर फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली है। मुख्य भूमिका में है सोहम शाह। बात अगर फिल्म की कमाई की करें तो ये रही ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 16,91,980 अमेरिकन डॉलर। कहानी 1918 के आसपास की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। कहानी शुरू होती है पश्चिमी भारत के मराठा राज्य में स्थित एक छोटे से गांव जिसका नाम है तुम्बड़। इस गांव के हर मौसम में लगभग बारिश ही रहती है देवताओं के श्राप के कारण। अब श्राप क्या है इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ। पूर्ति की देवी जिसके पास अनंत सोना और अनाज है। जिस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उस समय देवी की कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं का जन्म हुआ। लेकिन देवी को सबसे प्रिय अपनी पहली संतान थी जिसका नाम हस्तर था। हस्तर ने बड़ी चालाकी से सारे सोने पर अपना कब्जा कर लिया। मगर जब वह अनाज की तरफ बढ़ा तो सभी देवी देवताओं ने उस पर आक्रमण कर दिया और उन सब से बचाने के लिए देवी ने उसे फिर अपनी कोख में शरण दी। मगर इसकी भी एक शर्त थी कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा। इसलिए किसी भी वेद पुराण में उसका उल्लेख नहीं मिलता। और फिर वर्षों बाद एक परिवार ने उसका मंदिर बना दिया और हस्तर को पूजा जाने लगा जिससे बाकी देवता क्रोधित हो उठे और उसके बाद से अब तक उनका गुस्सा बारिश बनकर बरस रहा है। कहानी के पहले सीन में बारिश में भीगती हुई एक महिला एक पुराने खंडहर हो चुके बाड़े के बड़े से दरवाजे को खोलती है। उसके हाव भाव से प्रतीत होता था कि शायद उसे आज देर हो गई है। फिर वो एक 70 साल के बुजुर्ग को जो कि इस बाड़े में अकेला रहता है ना चाहते हुए भी उसे संतुष्टि देती है और कहती है जल्दी करो वरना बुढ़िया उठ जाएगी। उसे जाकर खाना भी देना है और बातों बातों में उस बुजुर्ग से सोने की मुद्रा मांगती जिस पर तू ना कर वो बुजुर्ग कहता है कि सोने की मुद्रा कोई मजाक नहीं है, उसे कमाना पड़ता है। अगर जल्दी जाना है तो जल्दी आया करो। फिर जल्दी जल्दी वो औरत अपने घर की तरफ जाती है। उसका घर ऊँचे से टीले पर है, आस पास कोई बस्ती नहीं। कच्ची मिट्टी से बना उसका घर बारिश से टपक रहा था। उसके दो बेटे उसका इंतजार कर रहे थे, सदाशिव और विनायक राव। दोनों की उम्र 14 से 15 साल की होगी। दोनों आपस में बातें करते, माँ कहाँ गई? सदाशिव के पूछने पर विनायक राव जवाब देता है, सरकार के बाड़े में गई होगी। अगर माँ को देरी हो गई और बुढ़िया उठ गई तो क्या होगा? सबकी बातों से ऐसा लगता था कि जैसे वो बुढ़िया नहीं कोई शैतान है। अंधेरा हो चुका था। विनायक राव लालटेन को रोशन करता है और मिट्टी की हांडी पर चावल चढ़ा देता है और साथ ही साथ सदाशिव के सवालों का जवाब भी देता रहता है। क्या तुमने इससे पहले कभी बुढ़िया को खाना दिया है? इस पर विनायक राव जवाब देता है नहीं और कच्चा पक्का खाना थाली में परोस कर दोनों भाई उस कोठरी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें वो बुढ़िया है। फिर विनायक सदाशिव को थाली देते हुए कहता है, ये लो खाना मैंने बनाया है, अब खिलाना तुम्हें होगा, डरो मत जाओ। और सदाशिव जैसे ही कोठरी की तरफ बढ़ता है तभी उसकी माँ जाती है और दोनों पर हाथ उठाती है। सदाशिव के हाथ से थाली लेकर अच्छे से चावल और दाल बनाती है, थाली में परोस कर कोठरी की तरफ जाती है और दोनों को आंखों से दूर रहने का इशारा करती है। फिर सोती हुई उस शैतान जैसी बुढ़िया के लंबे लंबे नाखूनों को काटती है। सच में वो बुढ़िया इंसान नहीं शैतान है। फिर खुद के लिए खाना पकाती है। विनायक माँ से पूछता है, माँ सोने की मुद्रा का क्या हुआ? विनायक लालची के साथ महत्वाकांक्षी भी था। विनायक माँ से कहता है, अगर वो तुम्हें सोने की मुद्रा नहीं देता तो तुम उसकी बुढ़िया की देखभाल क्यों करती हो और उसे गाली देता है? इस पर उसकी माँ विनायक को थप्पड़ लगाती
और कहती है, अपने बाप को हरामी कहता है और कहती है सोने की मुद्रा यूं ही नहीं मिल जाती, कमानी पड़ती है। इस पर विनायक कहता है, 12 साल से कमा ही तो रही हो। तभी किसी के रोने का रुदन सुनाई देता है। उसका रुदन कलेजे को चीरने वाला होता है। ये कोई और नहीं बल्कि बुढ़िया रो रही थी। विनायक की माँ उस कोठरी की तरफ बढ़ती है और दरवाज़ा नीचे से टूटा हुआ होता है। उसके तरफ लालटेन से देखती है, बुढ़िया की आवाज़ तेज़ होती है और वो उसे अंदर बुलाती है। डर के मारे सब कुछ सांप सूख जाता है। तभी विनायक की माँ कहती है, सो जा बुढ़िया वरना हस्तर आ जाएगा। और अचानक बुढ़िया खर्राटे लगाकर सो जाती है। दरवाजे के बाहर एक सूखा पेड़ खड़ा था। सदाशिव उसकी एक सूखी सी टहनी पर बैठा अपने भाई के साथ बातें कर रहा था और एक टहनी टूट जाती है। सदाशिव मुंह के बल पत्थर पर गिरता है। पत्थर पर सर लगने से बहुत खून निकलता है। बेहोशी की हालत में सदाशिव को छोड़ विनायक माँ को बुलाता है। जब तक बैलगाड़ी आती है तब तक बहुत खून बह जाता है। विनायक माँ से पूछता है, अगर देरी हो गई तो बुढ़िया को खाना कौन खिलाएगा? माँ को दोनों की चिंता थी, अगर सदाशिव को चिकित्सक के पास नहीं ले गई तो वो मर जाएगा। विनायक से कहती है, बेटा आज तो खाना तुझे ही खाना पड़ेगा। विनायक कहता है, अगर बुढ़िया उड़ गई तो? माँ कहती है, अगर वो उड़ जाए तो कहना, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। बैलगाड़ी को तेज गति से चिकित्सक की ओर ले जाते हैं। उधर बुढ़िया को खाना खिलाने के नाम से विनायक की सांसें तेज हो जाती है। अब खिलाना तो पड़ेगा ही वरना बुढ़िया उड़ जाएगी। खाना बनाने का सामान ढूंढता है और जल्दबाजी में गेहूं का आटा उसके ऊपर ही गिर जाता है। तभी उसे बुढ़िया की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। विनायक डरता हुआ लालटेन लेकर बुढ़िया की कोठरी की तरफ जाता है। अंदर से बुढ़िया आवाज़ देती है, विनायक को, मेरा राजा बेटा आ गया। आजा बेटा अंदर आ, तुझे मुद्रा चाहिए ना, सोने की मुद्रा। ये बात सुन विनायक दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो जाता है और दादी के पास जाता है और दादी से पूछता है, खजाना कहाँ है? बुढ़िया कहती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो वरना मैं तुझे खा जाऊँ। बुढ़िया की बातें और उसका चेहरा देख विनायक डर जाता है और दरवाज़ा बंद किए बिना दौड़ता है उसके लिए खाना बनाने। एकाएक घिसटती हुई बुढ़िया उसके पास आ जाती है और अपने पाँव में बंधी पीढ़ियाँ खोल विनायक के पैर पर बांध देती है और उसे घसीटते हुए अपनी कोठरी में ले जाती है। अपने चेहरे में घुसी हुई लोहे की नुकीली कीले निकाल कर कहती है, आज बहुत सालों बाद अच्छा खाने को मिलेगा। विनायक याद करने की कोशिश करता है कि उसकी माँ ने क्या कहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। और बुढ़िया उसे जंजीरों से बांध देती है। और बुढ़िया जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह खोलती है तभी विनायक कहता है, सो जा बुढ़िया वरना हस्तर आ जाएगा। और बुढ़िया गहरी नींद में सो जाती है। उधर सदाशिव की सांसें बंद हो जाती है और माँ वापस लौटती है और जख्मी सदाशिव को अपने सीने से लगाते हुए उस पर मरहम लगाती है। सदाशिव का अंतिम संस्कार दोनों नाव में बैठकर तुम्बाड़ को छोड़ देते हैं। माँ विनायक से वादा लेती है कि वो फिर कभी नहीं आएगा तुम्बाड़ में लौटकर। इसके बाद 15 साल का वक्त दिखाया जाता है। विनायक फिर लौट आता है तुम्बाड़ में और पहुँच जाता है खंडर हो चुके अपने टीले वाले घर में, जहाँ एक पूरा पेड़ उग चुका था। उस बुढ़िया के शरीर से हर तरफ मकड़ी के जाले और उस पेड़ की जड़ें हैं। उस बुढ़िया का शरीर अलग अलग अस्थि पिंजर में बैठ चुका था। विनायक पूछता है, कैसी हो दादी? और जवाब में बुढ़िया, आ गया राजा बेटा। विनायक ठाके लगाकर जोर जोर से हंसता है और इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटता। गुड़िया के खजाने का राज मालूम कर ही लेता है और बदले में देता है बुढ़िया को मुक्ति। इस शरीर से उसे आग के हवाले करके और फिर रूख करता है उस वाड़े की तरफ जो उसकी पुश्तैनी जायदाद है, पुनः अपने परिवार के पास, जहाँ उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि वो दूसरे के लिए गेहूँ का आटा पीस कर अपना गुजारा चला रही थी। मगर अब विनायक कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए आटा पीसा करोगी। फिर वो जाता है और वहाँ के एक साहूकार के पास, जिसके पास पहले ही उसकी बीवी ने बहुत सा कर्ज लिया हुआ था,
कर्ज उतार कर और वहाँ पर सोने की मुद्रा खर्च आता है और बाकी के पैसे ले आता है, जिसे धूमधाम से अपना परिवार चलाता है। समय समय पर वो सोने की मुद्राएं लाता है और साहूकार को पैसे के बदले बेच देता है। अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि साहूकार भी उसका कर्जदार हो गया था। उसके घर जो बेटा पैदा हुआ था अब वह जवान हो चुका था, मगर वो उसकी तरह भागने दौड़ने और चढ़ने में इतना तेज नहीं था। लेकिन फिर भी विनायक उसकी रोज़ाना कसरत कराना नहीं भूलता था। और वो दिन आ गया जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। तुम्बाड़ का वो वाड़ा जो उसकी विरासत था अब सरकार के हिस्से में आ गया था। विनायक सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। वो फैसला करता है कि अपने बेटे को तैयार करेगा और ले जाता है तुम्बाड़ सोने की मुद्रा लाने के लिए। वो अपने साथ सूखा आटा ले जाता है, जिसका वो एक पुतला अपने पुत्र के हाथों बनवाता है और कहता है, इस बार हम सिर्फ देख कर आएंगे, लाएंगे नहीं। और वो उस आटे से बने पुतले का इस्तेमाल करके अब वह कुएं के अंदर दाखिल होते हैं और वहाँ से भी एक सुरंग के अंदर जाते हैं और पहुँच जाते हैं देवी के गर्भ में। एक चिपचिपी सी दीवार पर चिपका हुआ कंकाल देखकर लड़का पूछता है अपने पिता से, बाबा ये कौन है? विनायक उसे कुछ नहीं बताता। दरअसल शरीर के अवशेष उस साहूकार के हैं जो लालच में अंधा हो गया था और उसने पीछा किया था। विनायक उस दिन और उसका बेटा उस दिन शिकार हो गया था हस्तर का। हस्तर की कहानी वो अपने बेटे को रास्ते में सुना चुका था। हस्तर को भूख है अनाज की, मगर सूखे आटे को हाथ लगाते ही वो भस्म हो जाएगा और आटे से बने पुतले वो खा सकता है। जिस वक्त वो खाता है उस वक्त उसके शरीर से सोने की मुद्राएं लेकर बाहर आती है माता के गर्भ से। आज हम सिर्फ देखने के लिए आए थे, इसलिए हम आटे से बने पुतले नहीं लाए। तभी विनायक का बेटा कहता है, नहीं बाबा मैं लाया हूँ। तभी हस्तर ऊपर से छलांग लगाता है और उस शैतान से विनायक अपने बेटे को बचाता है और सूखे आटे से बनाए उस घेरे के अंदर ले जाता है। उसके हाथ से छूटे उस पुतले को हस्तर खाने लगता है और पीछे से विनायक का बेटा उससे मुद्रा चुराता है। वो दोनों देवी के कोख से बाहर भागते हैं। बाहर आकर विनायक अपने बेटे को खूब डांटता है और पीटता है, लेकिन उसका बेटा विनायक से भी ज़्यादा लालची और महत्वाकांक्षी था। वो अपने पिता को सुझाव देता है कि हम हस्तर के लिए और पुतले लेकर जाएं। एक पुतला खाएगा तो दूसरा फेंक देंगे और दूसरा खाएगा तो तीसरा फेंक देंगे। ऐसा करके हम वहाँ से एक बार में बहुत सारी सोने की मुद्राएं ला सकते हैं। सुझाव पसंद आने पर विनायक उस पर खूब हंसता है और कहता है, तू मेरा बेटा ही है। फिर तैयारी में जुट जाते हैं तुम्बाड़ जाने के। अब वो वाड़ा सरकार के कब्जे में आ चुका था, इसलिए दिन में जाना संभव नहीं था, तो वह रात को वाड़े में प्रवेश करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं बहुत सारे आटे के बने पुतले। अब वो ज़्यादा सावधानी बरतते हैं और हर प्रवेश द्वार पर सूखी आटे का घेरा बना देते हैं। जैसे ही वो पुतले निकालते हैं वैसे ही हस्तर आ जाता है और उसके एक शरीर से अनेक हस्तर बन जाते हैं। इतने शैतानों को देखकर दोनों डर से कांपने लगते हैं। डर के मारे विनायक का बेटा दो चार पुतले बाहर फेंक देता है, जिन्हें पलक झपकते ही सारे शैतान चट कर जाते हैं। उस उलझन में उनकी लालटेन बिगड़ जाती है और शैतान की आंखों के सिवाय कुछ नज़र या समझ में नहीं आ रहा था। विनायक का बेटा बेहोश हो जाता है और जब उसकी बेहोशी टूटती है तो वो देखता है कि विनायक ने वो सारे पुतले अपने शरीर पर बांध लिए हैं। उसका बेटा समझ जाता है कि विनायक अब क्या करने वाला है। वो अपने पिता के पैर पकड़ता है और कहता है, नहीं बाबा नहीं। विनायक उससे अपने पैर छुड़ा कर भागता है माता के गर्भ से बाहर, और उसके पीछे पीछे भागते हैं सभी शैतान उस सूखे आटे के घेरे से बाहर आते हैं। मगर शैतानों के छूने से वो भी उस बुढ़िया की तरह जिंदा लाश बन गया था। बाहर आकर विनायक का बेटा रोता है और अपने बाबा को ढूंढता है। एक ओर से रेंगता हुआ आता है और कहता है, ले बेटा सोने की मुद्रा चाहिए थी ना तुझे, ले ले। वो अपने पिता की ये हालत देखकर खूब रोता है। उसका पुत्र अपनी तरफ आते हुए अपने पिता को अंत में कहता है, सो जा बाबा वरना हस्तर आ जाएगा, और अपने बाबा को भी मुक्ति दे देता है शरीर से अग्नि के द्वारा और बंद कर देता है दरवाज़ा उस वाड़े का। और इसी सीन पर फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।